ऑल राइट, सो मूविंग ऑन, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस, जॉब एंड हायर एजुकेशन को सेपरेटली डिटेल में, कि ये तीनों एक्चुअली किस सेक्टर के लोगों के लिए हैं एंड हु शुड बी ऑप्टिंग फॉर दीज थ्री ऑप्शंस. सो स्टे ट्यून्ड. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट द थ्री कंडीशंस एज इन योर फैमिली बैकग्राउंड, सेकेंड इज़ योर करंट सिचुएशन एंड योर नेसेसिटी, एंड थर्ड इज़ योर अल्टीमेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव. उस तीनों के अकॉर्डिंग यू कैन मेक अ डिसीजन. और अब आप समझ सकते हैं कि अबाउट जॉब, बिजनेस एंड हायर एजुकेशन में व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर यू. ऑल राइट, सो स्टार्टिंग ऑफ, फर्स्ट विल अज्यूम दैट यू हैव अ जॉब इन हैंड. फर्स्टली हम लोग अज्यूम करेंगे कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद इन योर कैंपस रिक्रूटमेंट और बाई एनी चांस यू आर हैविंग अ जॉब इन हैंड. ठीक है, आपके पास एक जॉब है बट नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको वो जॉब लेनी चाहिए या फिर यू शुड बी गोइंग आफ्टर योर हायर एजुकेशन या आपको अपनी बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए. राइट, सो ये तीनों में व्हाट शुड बी द मोस्ट आइडियल ऑप्शन फॉर यू, ये हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्टली. सो अज्यूमिंग दैट यू हैव अ जॉब इन हैंड, सो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो जॉब आपके पास है वो किस टाइप की जॉब है. फर्स्टली आपको अपनी जॉब रोल समझनी पड़ेगी. ठीक है, व्हाट आर यू सपोज टू परफॉर्म. सेकेंडली उस जॉब की सैलरी स्ट्रक्चर कैसी है. सेकेंडली, थर्डली उस जॉब में कोई बॉन्ड है कि नहीं, एंड अगर उस जॉब में कोई बॉन्ड है देन व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ दैट बॉन्ड. राइट, फोर्थ कि हाउ मच टाइम दैट जॉब इज़ टेकिंग फ्रॉम यू, आपको कितनी टाइम देनी पड़ रही है उस जॉब में. सो फोर्थ यू हैव टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज़ द फ्यूचर एस्पेक्ट्स एंड द ग्रोथ दैट यू विल बी अचीविंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन दैट जॉब. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. लास्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विल दैट जॉब बी बेनिफिशियल फॉर मी इन द कमिंग फ्यूचर. फ्यूचर में आपको इस जॉब से कुछ एडवांटेज मिलेगी कि नहीं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. राइट, सो फर्स्टली यू हैव टू एनालाइज दिस थिंग. पहले हमने क्या बात किया, दैट व्हाट इज़ द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. राइट, अगर वो जॉब रोल्स, सपोज इट्स अ सेल्स जॉब, सो डेफिनेटली आपको सेल्स में महारत हासिल होगी. यू विल बी लर्निंग अबाउट मोर अबाउट सेल्स, अबाउट मार्केटिंग. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज़ दैट योर चॉइस, इज़ दैट योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. इट डजेंट मीन कि इफ़ यू हैव अ जॉब देन यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर इट. आपको सोचना पड़ेगा कि दैट जॉब इज़ सूटेबल फॉर मी और नॉट. ठीक है, वो जॉब रोल्स एंड रोल्स जो है ना, वेदर इट इज़ फॉर यू और नॉट. राइट, अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है देन गो फॉर इट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो एक सेल्स जॉब है एंड दैट टू फॉर अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, देन यू शुड बी थिंकिंग बैक इन माइंड कि ये फिर मेरे पूरे लाइफ टाइम के लिए ये एक्सपीरियंस इन अ सेल्स इंडस्ट्री में ही काउंट होगी. राइट, सेल्स में जॉब करके यू कैन नॉट यू नो स्विच टू फाइनेंस एंड आप सोचोगे कि वो जॉब मेरी काम की आई रहेगी. नहीं, राइट, दैट एक्सपीरियंस वोंट बी काउंटेड एट ऑल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी फ्यूचर प्लानिंग क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग ये जॉब रोल्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग सूटेबल है कि नहीं. क्योंकि अल्टीमेटली यू विल बी, यू हैव अ ब्रॉडर गोल्स एंड मिशंस. राइट, यू हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. सो उसके अकॉर्डिंग whether this experience is, whether this job roles will benefit me in the coming future. So this is the thing. Secondly, salary structure कैसी है. किसी अभी के time पर ना, after graduations, companies are humiliating students so much, क्योंकि वो 12,000 to 15,000 अपने young graduates को देते हैं for a job. अगर आप एक graduate को hire कर रहे हो, it doesn't mean कि आप एक wage worker को hire कर रहे हो. What is the point of giving 10,000 salary? और वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग 15,000 सैलरी. आई नो ग्रेजुएट्स काफ़ी है बट यू हैव टू सी द स्किल्स एज वेल. राइट, सो कंपनीज आर मिसट्रीटिंग यंग ग्रेजुएट्स लाइक दिस. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ये 10,000 to 15,000 के जॉब के पीछे ना जाते हुए, यू हैव टू सी एंड यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट टू गेट अ जॉब ऑफ अराउंड एटलीस्ट अ 25,000 पर मंथ जॉब टू सर्वाइव, एटलीस्ट टू सर्वाइव फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. सैलरी स्ट्रक्चर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. ऑफ 10,000 to 15,000 के में यू कैनॉट सर्वाइव, क्योंकि वो 10,000 के चक्कर में यू आर गिविंग योर 9 to 10 hours. राइट, सो वो 10,000 पर मंथ के जॉब में यू कैनॉट गिव योर 10 hours. उससे बढ़िया आप कुछ और करो फिर. राइट, एटलीस्ट 25,000 की जॉब आपकी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25,000, सो दैट इट विल बी वर्थ गिविंग योर टाइम फ्रेम ऑफ 9 to 10 hours. राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई बॉन्ड है कि नहीं. राइट, द जॉब यू आर डूइंग वहाँ पर कोई बॉन्ड है कि नहीं. अगर बॉन्ड है देन कितने टेन्योर की बॉन्ड है. सी जनरली 2 to 3 year bond is okay. राइट, उससे ज़्यादा की बॉन्ड नहीं होनी चाहिए.
आइडियली 2 साल की अगर बॉन्ड रहती है देन दैट इज़ परफेक्ट फॉर यू, यू हैव इनफ एक्सपीरियंस एंड उसके साथ साथ यू नो यू हैव अंडरस्टूड द कंपनी बेटर, यू हैव अंडरस्टूड द जॉब बेटर, सो उसके बाद इट इज़ वेरी आइडियल टू टेक अ डिसीजन आफ्टर दैट. सो आई थिंक 2 ईयर बॉन्ड इज ओके, राइट? 2 ईयर बॉन्ड इज नॉट बैड क्योंकि एटलीस्ट 2 साल की एक्सपीरियंस आपको ऐसे भी चाहिए. सो 2 से 3 साल की बॉन्ड इज ओके, यू कैन गो फॉर इट. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग एट दैट जॉब, है ना? कि आप उस जॉब में कितनी टाइम दे रहे हो, राइट? जॉब एज इन सी सब कुछ आपको ना अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग देख के चलनी पड़ेगी, आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख के चलनी पड़ेगी. सो हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग एट दैट जॉब, अगर वो जॉब आपकी 11-12 घंटे ले रही है दिन की, देन आई डोंट थिंक दैट इज़ वर्थ इट अंटी, अनलेस यू हैव अ वेरी गुड और ल्यूक्रेटिव पैकेज ऑफ 10 लाख 12 लाख्स, दैट टू इन अ गुड जॉब रोल. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्स क्योंकि अभी कंपनियाँ सेल्स पे यू नो 10 लाख 12 लाख की पैकेज दे रही है, बट दैट एक्सपीरियंस और दैट प्रेशर यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड एक अच्छी पैकेज 8 to 9 लाख्स अगर कोई कंपनी दे रही है, दैट टू इन अ गुड जॉब रोल, देन यू कैन गो फॉर इट. बट यू हैव टू सी दैट आपकी पर डे में वो 9 से 10 घंटे से ज़्यादा यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग एट योर जॉब, क्योंकि एट द एंड इट इज़ अ जॉब. आप वो 10 घंटे बहुत मेहनत करो, आप 10 घंते अपने अपना पूरा 200% दे दो, बट आफ्टर दैट यू हैव योर ओन लाइफ, सो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस. नेक्स्ट इज़ अ फ्यूचर एस्पेक्ट्स इन दैट जॉब, कि उस जॉब में आपकी फ्यूचर क्या है या फिर उस जॉब में ग्रोथ रेट क्या है. अगर उस जॉब में यू नो फ्रॉम अ लोअर पोजिशन टू अ हायर पोजिशन आप 3 साल 4 साल 5 साल में कवर कर लेते हो, देन आई थिंक दैट्स अ गुड जॉब, आपको उस जॉब के लिए जानी चाहिए. बट इफ़ यू आर सीइंग कि नेक्स्ट 3-4 साल में आई डोंट हैव एनी यू नो लेवल अप प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ लेवल, देन आई डोंट थिंक दैट इज़ एनी वर्थ इट. आप क्योंकि एक लेवल पे अपनी लाइफ के 4 साल दे दोगे, दैट टू द मोस्ट एक्साइटिंग 4 ईयर्स ऑफ योर लाइफ एट एन अर्ली एज 20 से 22 साल के बीच में, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर्स यू विल बी 26, राइट? एज के अकॉर्डिंग यू विल बी 26 एंड दैट टाइम दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो इसलिए पहले ही आप समझ लो कि अगले 2 साल 3 साल में मुझे प्रमोशन मिलेगी कि नहीं और वेर आई वुड बी स्टैंडिंग एट दैट टाइम. सो दैट इज सो दीज वेयर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर इफ यू हैव अ जॉब इन हैंड एंड if you are opting for a job and if you are confused whether we should be going for this job or you should be opting for higher education or business. So try to figure out these points. Agar ye point aap figure out kar rahe ho, then close your eyes and go for the job, kyunki jobs aaj ke time pe milni thodi mushkil hai, but you have a right skills and right opportunity, aap definitely you'll get a good job. So all right, so next is business. Business jo hai na, ye term bahut स्वीट सी बहुत छोटी सी लगती है, बट यू नो बिजनेस इट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड बी टेकन वेरी कैजुअली, बिकॉज आपकी पूरी एफर्ट्स, आपकी पूरी फाइनेंशियल्स, आपकी पूरी सिस्टम ख़राब हो सकती है इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ कैलकुलेटिव रिस्क, राइट? सो फर्स्टली हम लोग 2 चीज़ों में अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस सेटअप है, इफ़ आर हैविंग अ फैमिली बिजनेस, अगर आपको 10-15% 20% भी इंटरेस्ट है अपने बिजनेस में, देन गो फॉर द बिजनेस. 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस लो अपने बिजनेस में, अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर, क्योंकि विद टाइम आपको अपने बिजनेस समझ आएगी, आपको अपने बिजनेस की यू नो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो समझ आएगी. एंड 2 से 3 साल बाद वेन यू अंडरस्टूड ऑल वॉट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर देयर टू यू नो ग्रो योर बिजनेस, आप तब जाओ MBA के लिए एंड देयर आप वो फिगर आउट करो कि जो मैं लास्ट 2-3 साल में आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माई बिजनेस, वो चीज़ सुधारने के लिए वॉट शुड आई लर्न इन MBA प्रोग्राम, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग यू शुड बी चूजिंग योर MBA एंड देन गेट बैक टू योर बिजनेस एंड फ्लरिश. सेकेंड ऑप्शन इज कि आपके घर पे बिजनेस नहीं है, पीपल आर फ्रॉम सैलरीड बैकग्राउंड, सो वॉट शुड यू डू? सी एट दैट टाइम यू हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑफ केयरफुल. डेफिनेटली यू कुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बट इन दैट यू हैव टू हैव द कैलकुलेटेड रिस्क. If you have sufficient fund at home and if you have a great knowledge and understanding about business, then go for business. Try your luck in business for 2 to 3 years. If it fails or if it do not succeed like the way you thought, then there's no such issue in that. Go for an MBA program. At least you have an experience of starting your own business, right? That will also, you know, create an impact. So you can always after graduation, you can go for a
business setup, but that too with a calculative risk, right? All right, so the last part is higher education, and I will quote it very strongly that I certainly believe that higher education is important. No doubt, you start a business, you get into a job, but education is important, because to perform a job or to start a business, you need some knowledge. If it is inherent in you, then very good. But right now, as we said, we are talking about the generic audience. We have to take everyone at the same time. So us case mein, you have to have some knowledge with you, right? See, firstly, hame samajhna padega that agar hum higher education ke liye ja rahe hain, then definitely hame top institutes chahiye. Sabko top institutes chahiye. So agar aapko top institutes milti hai, then very good. Close your eyes, go for a job. Take a hefty loan, क्योंकि बाद में you will get that ROI, right? उस job पर you will be get that return. आप उस job को आराम से, फिर आप उस loan को आराम से repay कर सकते हो, right? You will be having that handsome salary अगर आप top 25 to 30 colleges में जा सकते हो. But top 30 to 35 colleges में seats limited है, तो वो seats जब full हो जाती है तो majority audience बच जाती है. So उस case में उन audience को क्या करना चाहिए? You have two options. अगर आपने पहले कभी बैक नहीं लिया है, देन टेक अ बैक. इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि यू हैव टू टेक वन ईयर ड्रॉप. आप ड्रॉप लो बिंदास, एक साल प्रिपेयर करो, नेक्स्ट ईयर ऑप्ट करो एंड गो फॉर इट. बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन अ ड्रॉप वन ईयर, डू नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन. इफ़ यू आर हैविंग अ गैप ऑफ वन ईयर, गो फॉर अ गुड जॉब, अ डिसेंट जॉब ऑफ 4 to 5 lakhs, 6 lakhs. गो फॉर दैट जॉब, बैलेंस योर वर्क एंड लाइफ बैलेंस एंड प्रिपेयर फॉर योर हायर एजुकेशन. राइट, दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी मिल रही है. सी, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ, कि एक्सपीरियंस के साथ आप, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ बोले होंगे, बट राइट नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट तो होगी डेफिनेटली जॉब के साथ पढ़ाई करना, बट अगर आप फिगर इट आउट कर लेते हो उस चीज़ को, अगर वो आप बैलेंस बना लेते हो थोड़ा सा, देन आई थिंक नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. आप 2 साल बिंदास जॉब करो अच्छे से, गेन दैट एक्सपीरियंस, दैट टू हमारी जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला था, जॉब रोल्स वगैरह सब देख के आप एक जॉब सिलेक्ट करो एटलीस्ट 6 lakhs की, 4 to 6 lakh की. 4 to 6 lakh इज़ अ गुड ऑप्शन. 2 साल अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो गो फॉर दैट जॉब. 2 साल जॉब करो एंड देन गो फॉर एन एम बी ए प्रोग्राम. एम बी ए प्रोग्राम के लिए आप जाओ, एंड नाउ दैट कुड बी एन एग्जीक्यूटिव और अ फुल फ्लेज एम बी ए प्रोग्राम फ्रॉम द टॉप 20 institutes और 25 institutes. इसमें क्या होगा ना, कि अगर बाद में भी इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड, एटलीस्ट यू आर हैविंग अ गुड जॉब इन योर हैंड, यू आर सिक्योर. एटलीस्ट आप फिर एक और साल आगे प्रिपेयर कर सकते हो, दैट एक्सपीरियंस विल काउंट. सो दैट इज़ द थिंग. फर्स्ट वी अंडरस्टूड अबाउट द गुड अपॉर्चुनिटी. लैक ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी है तो आपको हड़बड़ाना नहीं चाहिए. मैंने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ रिसोर्सेज. सी, अगर इफ़ योर फैमिली इज नॉट able to finance your education further, go for a job, right? Again, मैं बोलूँगा कि top 30-35 colleges अगर आपको मिलती है, then take a loan. But if you're not among that 30-35 colleges, don't take that hefty loan and keep a burden of repaying that loan on your shoulder. क्योंकि उससे आप भी सफ़र करोगे, आपकी family भी सफ़र करेगी for the next 3 to 5 years after finishing your MBA or your masters, you will suffer and your family will suffer because of the hefty debt that you will be having with you. Why I'm saying is ki, because see, ultimately you have to pay it, right? So you have to take that calculated risk, you have to do some analysis, you have to understand ki meri ROI kaise rahegi after that job. Agar main kisi college mein ja raha hu, agar main bahut acha perform karta hu, meri job lag jati hai, then wo jo hefty loan main lunga 10-15 lakh, 20 lakh ki, to wo kitni time lagegi मुझे वो रीपे करने में. एंड वेदर, क्योंकि सी अल्टीमेटली तो पे तो करना है, पे मेरे को करना है या मेरे फैमिली को करना है. सो ऐसी डिसीजन लो, सो दैट इट शुड बी कैलकुलेटिव, वेरी कैलकुलेटिव. आँख बंद करके डिसीजन नहीं लिया जाता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ऑल राइट, सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड बी सिलेक्टिंग इन केस ऑफ जॉब, इन केस ऑफ बिजनेस एंड इन केस ऑफ your higher education, what should be an ideal option for you. मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैंने काफ़ी क्लैरिटी के साथ बताया है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग. मैं अभी सेम चीज़ कर रहा हूँ, इसलिए आई कुड टेल यू बेटर.
क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस में मुझे कमेंट्स आई थी रिगार्डिंग द सेल्स प्रेशर इन बैंकिंग और हाउ कैन वी मैनेज यू नो सेल्स इन बैंकिंग. सो आई विल बी कमिंग टू दैट एज वेल. सो इस वीडियो में यहीं तक है. ऑल राइट, सो इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. जिसको शेयर करना है, जो भी कन्फ्यूज है, जस्ट शेयर इट विद देम. बाकी टेल देम टू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली इन द कॉमेंट सेक्शन और ऑन इंस्टाग्राम ऑन लिंक्डइन. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. So see you in the next video. Until next time, keep hustling and keep working hard. I love you all. Cheers. Last dono vlog mein response kafi achhi aayi. So I'm overwhelmed with that. Thank you so much for your support. Thank you so much for your response. Vlogging is my choice, but I'll stick to such videos. So no need to worry about. And yeah.